शहीदी दिहाड़ा आपां मना रहे हैं। दुनिया भर के धर्म शास्त्रां विच तुहानूं कितें शहीद शब्द नहीं मिलना। चारे वेद, छे शास्त्र, सताई सिमरतियां, गीता, रामायण, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखे रामचरित्र मानस, कितें तुहानूं शहीद लिखिया नहीं मिलेगा। मोख पंथ, विचार सागर, विचार चंद्रोदया, कितें तुहानूं शहीद नहीं लिखिया मिलना। कुरान पाक हज़रत मुहम्मद साहब महाराज का इलाही कलाम, कुरान पाक दे विच तुहानूं 32 बारी शहीद शब्द लिखिया मिलेगा। उत्थे 32 बार लिखे शहीद, पर धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे सारी बाणी नूं चंगी तरह पढ़ियो, केवल 2 बारी शहीद शब्द लिखे, केवल 2 बारी। ते कुरान पाक विच 32 बार है। शहीद कौन हुंदा है? शहीद किनू कहा जाता है? इस्लाम की शरह ने 5 तरह के शहीद मने हैं। पहले शहीद ने शहीद करबला, अल्लाह पाक वास्ते हज़रत मुहम्मद साहब महाराज के दोतरे हसन ते हुसैन, उन्होंने बचपन के विच खुदाबंद करीम वास्ते कुरबानी की सी। इस्लाम के सब तो उच्चे उत्तम शहीद होंदे ने शहीद करबला, जिहड़ा अल्लाह पाक वास्ते मर जाए उन्हों शहीद करबला आख्या जाता है इस्लाम विच। ते दूसरा शहीद होंदे शहीद आजम, आप दे फर्ज वास्ते मरन वाला भी इस्लाम ने शहीद मनिया। तीजा होंदे शहीद वतन, आप दे देश कौम वास्ते मरन वाला भी शहीद है इस्लाम दे विच। ते चौथा होंदे शहीद मुहब्बत, अपने प्यार वास्ते जिहड़ा मर जांदा है इस्लाम की शरह उन्हों भी शहीद मनती है। तो पंजवा होंदे शहीद पर उपकार, किसी होर वास्ते मरन वाला उन्हों भी इस्लाम की शरह ने शहीद मनिया है। वेदां शास्त्रां विच शहीद लिखे ही नहीं किते। क्यों? कल्ला जंग विच लड़के मरन वाला शहीद नहीं हुंदा। जे जंग विच लड़के मरन वाला शहीद हुंदा है, हिंदुस्तान की धरती ते सब तो बड़ा जंग कौरवां ते पांडवां दा जंग सी, गुरमुखो कुरुक्षेत्र की धरती ते होया। लखां करोड़ां लोग मर गए सी उहदे विच। कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग अज भी लाल है, कदे जाके वेख लिओ। उत्थे इन्ने लोगों का शहीद खून डुलिया है, पर किसी नूं भी शहीद नहीं आख्या गया, क्योंकि कौरवां ते पांडवां की जंग सकियां भरावां दा जमीन का झगड़ा ही है, होर कख भी नहीं। आखो सतना, जमीन का ही झगड़ा भरावां दा। जंग श्री राम जी ते रावण की जंग भी है, पर उस जंग विच मरन वाले किसी नूं शहीद नहीं आख्या गया। ते गुरु घर दे विच केवल 3 तरह के शहीद मने, 3 शहीद ने गुरु घर विच। पहले शहीद कौन ने? शहीद शांत रस, जिहड़ा जबर का मुकाबला सबर ना करता, अपना आप कुरबान कर जाए ना, गुरु घर दे विच उन्हों शहीद शांत रस आख्या जाता है। जिवें पंजवें पातशाह ने जबर का मुकाबला सबर ना किया है, राजा विच किवें रहिदे ये संसार दे लोकां नूं रह के विखाता है। वड्डे वड्डे दुख, संसार दीयां तमाम परेशानियां, तमाम घटनावां, तमाम दुख तकलीफां सिर ते आ जाण ते महाराज ने चल के विखाया है। जे संसार के तमाम दुख संताप मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मुझे आदत है मुस्कुराने की, ये पंजवें पातशाह ने करके विखाया है। तत्ती तवी ते वह के सच्चे पातशाह मुस्कुराउंदे ही रहे, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मंगै, आए रब दी रजा विच रहिंदे। जे दुख दे तां तुझे है अराधी, सुख भी तुझे त्याई, तेरे वल्लों भेजे मैनू दुख भी सुख लगदे है, तेरी रजा विच रहना मैनू चंगा लगदा है। आ जिहड़े दिन चलदे है, सच्चे पातशाह ने जबर दा मुकाबला सबर ना कीता है। नौवें पातशाह उहने शहीद शांत रस, उन्होंने जबर का मुकाबला सबर ना करदिया ने शहीदी पाई। भाई तारू सिंह
ओए शहीदे शांत रस, भाई मती दास शहीदे शांत रस, भाई सती दास शहीदे शांत रस, बाबे साहबजादे सरहंद दियां नीहां च खलोगे ओने शहीदे शांत रस। ते दूसरा शहीद कौन है गुरु घर विच, ओए प्यारियो शहीदे वीर रस जेड़ा मैदाने जंग विच लड़के शहीद हुंदा है, जिवें बाबे साहबजादे वड्डे साहबजादे ओने शहीदे वीर रस, उन्होंने मैदाने जंग विच लड़के शहीदी पाई। धन बाबा दीप सिंह महाराज, उन्हें शहीदे वीर रस मैदाने जंग विच लड़के शहीद होए, सिर धड़ तो जुदा हो गया वह फिर भी लड़दे ही गए, उन्हें शहीदे वीर रस। तीसरा शहीद कौन है गुरु घर विच, ये गल पले बन के लै जो, क्योंकि बहुता सुनिया तो बहुता पढ़िया भी तेरा नहीं हुंदा, जेड़ा तेरे काम आ गया तेरा तो उही हुंदा है। वड्डे महापुरख कहिंदे हुंदे सी सब इलम कतेबां ठप करके एक अल्फ पका लै चुप करके, दुनिया नूं जितना चाहुंदा है तू मन समझा लै चुप करके, की लोड़ है बहुता भड़कण दी एक पीर मना लै चुप करके, थोड़ा ही सुन ली पर मन जादे लई तेरे ते कृपा हो जूगी। शास्त्र विच लिखिया केवल खादा आपदा नहीं हुंदा, खाया अपना नहीं हुंदा, पचाया अपना हुंदा। जो तू खा लिया तू समझे भी मेरा है, नहीं नहीं, जो तू पचा गया उही तेरा है जेड़ा तेरे काम आ गया। आ हुण महापुरखां ने उपराला कीता है, आ किड्डा लंगर चलदा है, इत्थे चार कड़ाहे दाल दे भी बने होणगे, चार पंज टोकरे प्रशादियां दे भी बने होने हैं, कोई मेरे अरगा उत्थे खड़ के कही जावे वाह वही वाह वाह वही वाह, वह तू कादी वाह वाह करदा, तेरे तो उही दो प्रशादे है जेड़े खा के तुर जाएगा खो सतना। तैं की लैना चार टोकरिया तो, तैं की लैना चार कड़ाहियां तो, तेरे तो उही ने जेड़े तू खा लेंगा। बहुता पढ़िया बहुता सुनिया की करूगा, तेरा तो उही है जेड़ा मन लेगा जेड़ा पल्ले बन के तुर जाएगा, तेरा आपदा तो उही कुछ है। तीजा शहीद कौन है गुरु घर विच, ओवे गुरमुखो जिंदा शहीद, जिंदा शहीद कौन है, जिहदियां अखां हैगियां ने पर उन्हें इन्हां अखां तो पराया तन ते पराया धन वेखना बंद करता है। अखां हैगियां अजे, अखां खत्म नहीं होईयां, इन्नियां कंट्रोल विच आ गईयां हुणे पराए तन ते पराए धन वल नहीं वेखदियां। कन्न हैगे, कन्न खत्म नहीं होए, इन्हां कन्नां दे नाल निंदिया चुगली गंदे मंदे गीत सुनने बंद करते, इहदे नाल बाणी सुननी शुरू करती। हथ है गए ने पर ये हथ किसी गरीब दे गल कुटन वास्ते नहीं उठते, ये किसी की राखी करन वास्ते उठते है, उन्हूं आख्या जांदे जिंदा शहीद। पंजे वकार उहदे खत्म नहीं होए, पंजे वकार उहदे अधीन हो गए, काम कामना बन गया, काम मुक गया किते, ज्ञानवान पुरखां दा काम किते खत्म नहीं हो जांदा हुंदा, वो काम कामना बन जांदा है। आ गुरमुखो कामना ही है साडे बाबा जी दी, नहीं है होशियारपुर रह के भी अपना आनंद लै सकदे, पर भगती दे राह ते चलदियां चलदियां काम एहो जी कामना बणिए कि मैं सारी दुनिया नूं ही कीर्तन कथा सुना दियां, सारी दुनिया नूं ही गुरु घर वल जोड़ दियां। आ वेख लो सारा परिवार ही इस पासे लग्या होया है, उदा मैं शरीर करके बाबा जी नूं हुण मिलिया, पर ज्यौंदा रहे इंटरनेट इहदे ते मैं दर्शन करदे ही रहना है, बाबा जी दे दर्शन मैं रज रज के करदा, कीर्तन भी सुनदा। ये काम कामना बन गया ते क्रोध मुक थोड़ी गया, ज्ञानवान पुरख दा क्रोध वीर रस बन जांदा हुंदा है। बड़े बड़े जंग युद्ध फिर भगती वालिया ने किते, उन्हां दा क्रोध वीर रस बन गया, उन्हां दा लोभ खत्म नहीं हो गया। तुहाडे नालों ज़्यादे लोभ है बंदगी वालिया दे मन विच, पर वो लोभ केड़ा है, आ नाम दा खजाना इकट्ठा करना फिर वरता देना, ये लोभ सबर बन गया ते मोह प्यार बन गया। हुण कल्ले अपने परिवार का ही मोह नहीं आउंदा, कल्ले अपने परिवार का ही फिक्र नहीं, सारी दुनिया का ही फिक्र है,
सारे संसार का ही फिक्र है। ते हंकार बंदगी वाले का अणख बन जाता हुंदा है, अणख की जिंदगी फिर वह जिंदी है। इन्हें जिंदे शहीद दियां निशानियां महाराज कहिंदे इत्थे तीन तरह के शहीद ने, जिन्हें अपने आप नूं कंट्रोल विच ले आंदा नौ द्वारे साध ले, वह है जिंदा शहीद गुरु घर विच।